लोग नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का दो लॉन्ग क्वेश्चन। जब कि बिहार बोर्ड 2020 में ये क्वेश्चन 100% आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं वो कौन सा दो क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि जब एक मोल हेलो एल्केन तथा एक मोल हेलो एरिन की अभिक्रिया दो मोल सोडियम के साथ राइटर की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें अल्काइन बेंजीन का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये एक मोल हेलो एल्केन हो गया, ये दो मोल सोडियम हो गया, ये एक मोल हेलो एरिन हो गया। इसकी अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में हमने कराए हैं तो अल्काइन बेंजीन की प्राप्ति हुई है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लीजिए कि यह हो गया क्लोरोमीथेन, ये दो मोल सोडियम हो गया, ये क्लोरो बेंजीन हो गया और इससे अभिक्रिया हमने ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराए हैं तो हमें मिथाइल बेंजीन की प्राप्ति हुई है। और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि HISF की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होता है क्यों। दोस्तों इसका आंसर ये होगा कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि SI की बंधन दूरी HF की तुलना में ज़्यादा है जिसके कारण अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है और SI का विखंडन आसानी से हो जाता है, जबकि HF की बंधन दूरी कम होने के कारण इसका विखंडन आसानी से नहीं हो पाता है, इसलिए HISF की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होता है। यहाँ पर हमने दिखा दिया कि HI मतलब ज़्यादा ये दूरी पर है इसलिए इसके अट्रैक्शन फोर्स का मान कम लगेगा और आसानी से इसका विखंडन हो जाएगा। और इसका बंधन दूरी कम है जिसके कारण अधिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इसका विखंडन आसानी से नहीं होगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही तुरंत प्राप्त होते जाए।